What's up guys, Ayushman this side. So, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 easy and high paying passive income ideas के बारे में. I know आपके दिमाग में क्या रहा होगा, yet another passive income ideas वाली वीडियो. क्या ही बता देंगे कि एक Instagram influencer बन जाओ, real estate में invest कर लो, उसको rent out करना शुरू कर दो, या अपना एक blog शुरू कर दो. But I know कि हम में से 99% लोगों के पास ना ही इतनी अच्छी शक्ल होती है कि हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बने, ना ही इतने पैसे होते हैं एटलीस्ट इस एज में कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाए, और ना ही इतने क्रिएटिव होते हैं कि हमारे ब्लॉग्स को इतने लोग फॉलो करें कि एक्चुअली वहां से पैसिव इनकम आ सके. बट इस वीडियो में हम 5 ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज डिस्कस करेंगे जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इजी टू इंप्लीमेंट हो, एंड जिसमें आप क्विक रिटर्न्स और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम देख सके. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से 90% लोग इन 5 में से एटलीस्ट एक या दो पैसिव इनकम आइडिया तो इंप्लीमेंट कर ही सकते हैं. सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो देखने के बाद कि इन 5 में से कौन से आइडियाज है जो आप सोच रहे कि हाँ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, या अगर आपके पास और भी कोई आइडियाज है जो पैसिव इनकम जिससे कोई इंसान जनरेट कर सकता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करना. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, स्टार्ट सेलिंग योर फोटोज ऑनलाइन. आप में से काफी सारे लोगों को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा, एंड फोटोग्राफी से मेरा मतलब सिर्फ प्रोफेशनल DSLR वाली फोटोग्राफी नहीं है. आप में से जो लोग मोबाइल फोटोग्राफी भी करते हैं वो भी अपनी फोटोज ऑनलाइन अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं. आप अपनी ये फोटोज एडोबी स्टॉक, शटर स्टॉक, 500px ऐसे वेबसाइट्स पे अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं. ऐसी वेबसाइट्स पे बेसिकली काफी सारे बायर्स आते हैं जो कि इन फोटोज को डाउनलोड करने के पैसे देते हैं, एंड ये वेबसाइट्स इन टर्न जो फोटोग्राफर्स होती है जिनकी वो फोटोज होती है उनको पर डाउनलोड पैसे देती है. एंड आप अगर डिसेंटली अच्छी फोटोग्राफी भी करते हैं तो आप इजीली अपनी फोटोज पर डाउनलोड 15-30 रुपए कमा सकते हैं. एंड ये बात ध्यान रखिए कि ये 15-30 रुपए पर डाउनलोड है एंड पर फोटो है. अगर आपके पास 200-300 फोटोज है जो आप अभी अपलोड करते हैं, एंड आप कंसिस्टेंटली जब भी आप कोई नई फोटोज खींचते हैं वो सारी अपलोड करेंगे, तो इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन ये फोटोज आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बन सकता है. नंबर 2, बाय पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च स्टडीज एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. वेल, डिड यू नो कि इंडिया में ऐसे काफी सारे रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक्चुअली लोगों को पैसे देते हैं उनके रिसर्च वर्क में वॉलंटियर करने के लिए. एंड ऐसे रिसर्च वर्क्स को यूजुअली तलाश होती है आपके जैसे हेल्दी मिलेनियल्स की, जो कि इनके रिसर्च वर्क में आके कंट्रीब्यूट करें एंड उनकी हेल्प करें. एंड ऐसी रिसर्च स्टडीज यूजुअली आपको पर आर बेसिस पे करती है, एंड ये पेमेंट कैन वेरी एनीथिंग फ्रॉम ₹500 to ₹20,000. यूजुअली जो हायर एंड वाले रिसर्च ट्रायल्स होते हैं उनमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है. सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप ऐसे किसी रिसर्च स्टडी या क्लिनिकल ट्रायल, स्पेसिफिकली क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार पहले उसके सारे रिस्क एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लीजिए, एंड ये सारे रिस्क को फैक्टर इन करने के बाद ही आप एक डिसीजन लेना कि क्या आप इस पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. बट ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे काफी सारे रिसर्च स्टडीज भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट जीरो होता है, एंड आपको बिना चिंता के आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नंबर 3, स्टार्ट सेलिंग योर होम कुक्ड फूड. वेल, आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट होगा, एंड अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको अच्छा खाना बनाना नहीं भी आता, तो भी अगर आपके घर पे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी ऐसा है आपका नोन पर्सन जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट हो एंड जो अच्छा होम कुक फूड बनाता हो, तो आप अपना होम कुक फूड ऑनलाइन बेच सकते हैं. एंड इस टाइम पे होम कुक फूड बेचना मुश्किल भी नहीं रहा. आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे पब्लिसिटी या मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको होम टू होम डिलीवरी हैंडल करने की जरूरत है. इस टाइम पे काफी सारे ऐप्स जैसे कि होम फूड आए, स्पेसिफिकली होम कुक फूड बेचने वाले सेलर्स के लिए ही है, जहां पे आपके जैसे नॉर्मल घर पे रहने वाले शेफ्स जो कि अच्छा होम कुक फूड बनाते हो वो अपना होम कुक फूड सेल कर सकते हैं. एंड आपको सिर्फ यहाँ पे अपना मेन्यू लिस्ट करना है एंड खाना बनाना है. सारा डे टू डे डिलीवरी, प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब कुछ ऐसे ऐप्स हैंडल करते हैं. एंड मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा कि आप पहले ही महीने में 1-1.5 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देंगे होम कुक फूड बेच के, बट अगर आप एक डिसेंटली अच्छा होम कुक फूड बनाते हैं एंड आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे आसपास रेजिडेंशियल एरिया ही है, लोग काफी रहते हैं, तो आप इजीली स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार रुपए महीना कमा सकते हैं. एंड अगर आपका खाना लोगों को अच्छा लगता रहा एंड आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, तो कुछ टाइम में आप 1 लाख रुपए पर महीना भी कमा सकते हैं.
नंबर फोर, रेंट आउट योर स्पेस ऑन Airbnb. वेल आई नो कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास खुद का घर या फ्लैट नहीं होता जिसको हम लोग ऐसे Airbnb पे रेंट आउट कर सके, बट हम में से काफी लोगों के घरों में या फ्लैट्स में ऐसे एक या दो रूम या एक एक्स्ट्रा फ्लोर होते हैं जहां पे यूजुअली हम लोग गेस्ट के लिए कमरे रखते हैं. एंड ऐसी जगहों को आप लोग Airbnb पे रेंट आउट कर सकते हो जब जब वो खाली है. एंड हमारे पेरेंट्स को यूजुअली पता नहीं होता कि क्या क्या स्कोप है इन चीज़ों को रेंट आउट करने का, क्योंकि उनको यूजुअली ऐसे Airbnb जैसे ऐप्स का पता नहीं होता. तो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगेगा स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाना एंड उनका कॉन्फिडेंस अर्न करना कि हाँ हम इन चीज़ों को बाहर के स्ट्रेंजर्स को रेंट आउट करके भी एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं. बट एक बार अगर आपने ऐसी कोई एक स्पेस आइडेंटिफाई कर ली एंड अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया इस आइडिया के लिए, तो आप इजीली एक महीने में 10,000 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं Airbnb के थ्रू. नंबर 5, Amazon Alexa स्किल्स. Amazon Alexa स्किल्स बेसिकली आपके मोबाइल ऐप्स की तरह ही होते हैं. जैसे आप मोबाइल ऐप्स को अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि गेम्स खेलने के लिए, न्यूज पढ़ने के लिए या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सर्च करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही Amazon के AI प्रोडक्ट्स जैसे कि Echo या Echo Dot में Alexa स्किल्स आते हैं. एंड Alexa स्किल्स भी बेसिकली आपके ऐप्स की तरह ही होते हैं जिनसे आप वॉइस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, न्यूज पढ़ने के लिए, कोई गेम खेलने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ये सब चीजें आप Amazon के Alexa स्किल्स से करते हैं. एंड ये Alexa स्किल्स सिर्फ Amazon खुद नहीं बनाता, बल्कि दुनिया में कोई भी डेवलपर, कोई भी कोडर अपना एक खुद का Alexa स्किल बना के Amazon की वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है. एंड Amazon हर महीने बहुत सारी कैटेगरीज जैसे कि न्यूज, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया, हर एक कैटेगरी में से टॉप Alexa स्किल डेवलपर्स को एक मॉनेटरी रिवॉर्ड पे करता है. एंड ये रिवॉर्ड कहीं भी वेरी कर सकता है $100 से लेके $10,000 तक. एंड ये रिवॉर्ड Amazon हर महीने देता है. सो अगर आप एक Alexa स्किल बना के अपलोड करते हैं, आपका Alexa स्किल काफी सारे लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं इंडिया में, तो Amazon आपको भी ये रिवॉर्ड दे सकता है. ऑलराइट, तो ये थे 5 इजी टू इंप्लीमेंट एंड हाई पेइंग साइड हसल्स एंड पैसिव इनकम आइडियाज. एंड ये लिस्ट सिर्फ इन 5 तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें और भी सारे ऐसे साइड हसल्स एंड पैसिव इनकम आइडियाज होंगे. बट अगर आपको इनमें से कोई भी पैसिव इनकम आइडियाज अच्छा लगा और जो आपको लग रहा है कि अब आप इंप्लीमेंट करेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड अगर आपके पास और भी कोई और आइडिया हो साइड हसल या पैसिव इनकम के लिए जो कि इजी टू इंप्लीमेंट हो किसी के लिए भी, उसके बारे में भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई होप आपकी वीडियो पसंद आई एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.